ऐसा क्या हो गया है जो एक दूसरे को समझाना पड़ रहा है? क्योंकि दोनों जानते हैं कि दोनों के लिए एक दूसरे को फीलिंग्स है एंड पर विराज की शादी की रस्में शुरू हो गई है, बोथ आर हर्ट. और विराज भी ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं वो अनश्योर है शादी को लेके, बट ही इज़ काइंड ऑफ कन्फेसिंग दिस कि तुम्हें दर्द नहीं हो रहा कि मैं शादी कर रहा हूँ, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड. सो वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं बिकॉज ही नोज ही इज़ इन लव, आई नो आई एम इन लव, बट हम दोनों बता नहीं सकते एक दूसरे को, तो इसलिए सीन में उसी चीज़ का गुस्सा एंड फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है. क्योंकि वो दर्द शायद सितारा को भी था जो आंसू के जरिए वो निकल पड़ा. यस, दर्द सितारा को बहुत है, दर्द विराज को भी बहुत है, बट मेरे आंसू बह गए एंड बट मैं स्टिल कहती हूँ, वो पूछता है मुझसे कि क्या तुम खुश हो इस शादी से, एंड मैं रोते रोते बोलती हूँ हाँ मैं खुश हूँ. सो और आंसू बह रहे हैं एंड आई एम सेइंग आई एम हैप्पी, तो विराज कहीं ना कहीं समझ जाता है. विराज का फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना है कि वो अपने हाथ का कुछ धागा भी, जिसे आप अशुभ कहने कह रही हैं, तो किस चीज़ का जो उसकी डोरी डोरी बंधाई रस्म थी जो अभी हुई थी, सो वो डोरी वो तोड़ना चाहता है. तब मैं कहती हूँ कि इस डोरी को नहीं तोड़ते बिकॉज अशुभ होता है. सो बिकॉज उसे वो रिश्ता तोड़ना है मित्रा के साथ, बट आई स्टॉप हिम एंड आई से कि मत तोड़ो इस डोरी को बिकॉज ये अपशगुन है. लास्टली, विराज का रुख सितारा की तरफ मुड़ रहा है और ये व्यूवर्स के लिए कितना इंटरेस्टिंग होता है? व्यूवर्स जानते हैं कि विराज एंड सितारा दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए दोनों फीलिंग्स आ गई है. सो आई एम श्योर दैट उन्हें अच्छा लगेगा अगर यू नो हमने कन्फेस किया तो, बिकॉज हमने अब तक एक दूसरे से कन्फेस नहीं किया है. सो दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग राइट नाउ इन द स्टोरी कि वी आर अट्रैक्टेड और हम दोनों जानते हैं बहुत क्लोज आ गए हैं, बट वी नो कि इनकी किसी और से शादी होने वाली है, सो वी हैव स्टॉप्ड. बट लेट्स सी आगे क्या होता है, कन्फेशन होगा या फिर सितारा का ही रूप बदलने वाला है, यू नेवर नो, बिकॉज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है अब स्टोरी में. मुझे तो ये लुक बहुत पसंद है. ऐसे में हर लड़की को ना शादी का ये सेटअप, मुझे तो ऐसा लगता है कि दुनिया की आधी से ज़्यादा लड़कियाँ, सॉरी अगर जिनका रियल में शादी का मन हो, मैं खुद की बात करती हूँ कि अगर मुझे कभी शादी करनी ना, दैट्स फॉर द सेटअप ऑफ शादी. आई लव एवरीथिंग अबाउट बींग अ ब्राइड एंड जो मेरे शौक एज एन एक्टर पूरे हो जाते हैं. सो आज का जो लुक की बात करें, सो इट्स हल्दी लुक, एज यू कैन सी हल्दी लगी है और येलो एंड रेड कॉन्ट्रास्ट है मेरे कॉस्ट्यूम का, और साथ में ये प्रिटी फ्लावर ज्वेलरी है जो कि काफ़ी इन ट्रेंड है. आप देखते हो कि आज मतलब मोस्टली सीरियल्स में फ्लावरी ज्वेलरी, बट आई जस्ट लव द सिंगल फ्लावर, प्यारा सा येलो, एंड मैंने इसलिए अपना सब कुछ थोड़ा सा एलिगेंट एंड सिंपल लुक रखा है. दैट्स इट. ओके, सीन के बारे में बात करें तो नेत्रा जितनी मतलब हल्दी हो रही है उतनी अंदर ही अंदर काफ़ी मतलब सैडनेस दिखाई दे रही है उनकी, तो क्या इतनी गड़बड़ चल रही है? नेत्रा की हल्दी हो रही है और नेत्रा के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब वो है कि विराट से शादी का सपना फाइनली पूरा होने जा रहा है, पर नेत्रा खुश नहीं है क्योंकि नेत्रा है ही नहीं नेत्रा की बॉडी में. नेत्रा की बॉडी में तो कोई और है जो कि इन सबसे बिल्कुल खुश नहीं है. ऑफ कोर्स जैसे कि पहले देख चुके हैं, नेत्रा की बॉडी में विश कन्या की आत्मा है छबीली की, और उसके लिए तो सारे लोग दुश्मन हैं. तो अभी यह है कि सिर्फ अगर नेत्रा किसी को देख के खुश हो रही है वो है सितारा, क्योंकि वो छबीली की अपनी है. तो ये सारा सब कुछ उल्टा हो गया. मतलब जो दो लोग आपस में एक दूसरे, मतलब नेत्रा सितारा को पसंद नहीं करती, बिल्कुल नहीं पसंद करती, उसको देख एकदम खुन्नस खाती है, चिड़ मचती है फॉर ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि मेरे फियांसे से चिपकी पड़ी रहती है सितारा उसकी बॉडीगार्ड बन के. बट अभी सिर्फ नेत्रा सबसे नाराज़ है, एक सितारा से खुश है उसको देख के. सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है लोगों को देखना कि मेरे अंदर जब विश्कन्या उसकी मौसी उसकी आत्मा है, तो हाउ सितारा एंड नेत्रा विल लुक टुगेदर नाउ. जब सितारे ने कहा कि आपकी हल्दी मैं छुड़ाऊंगी करके, तो एक जो सभी के मुंह पे जो मुस्कान आई थी, इतनी देर से गुस्सा था कि लोग क्या कर रहे हैं, नहीं करना ये सब, पर करना पड़ेगा कि नेत्रा की बॉडी. और जैसे सितारा बोलती कि मैं ये ना हल्दी में हल्दी निकालने में हेल्प करूंगी, मैं नेत्रा को वो जो शादी वाला शावर होता है वो देने वाली हूँ, एंड आई एम लाइक ओके मेरी अपनी कोई है, मतलब इट्स लाइक मदरली लव. सो मेरी भांजी है सब छबीली की भांजी सितारा. सो वो देख के एकदम प्यार आ गया कि हाय मेरी बच्ची ऐसा वाला. ओके, जब खुशी का माहौल होता है वहाँ कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स तो सीरियल में ऑब्वियसली होती ही है, तो क्या इसमें भी कुछ ऐसा धमाका दिखने वाला? उसके लिए आपको देखना पड़ेगा विश्याम सितारा रोज़ रात 10:30 बजे मंडे टू फ्राइडे ओनली ऑन कलर्स. थैंक यू.